दबाव क्यों नहीं बनना? आखिर आंदोलन कमजोर है क्या आपका? हमारा आंदोलन बिल्कुल कमजोर नहीं है जी, दबाव इसलिए दबाव नहीं बनना। दरअसल सत्ता इसमें गेम खेल रही है, जो जनप्रतिनिधि है वो गेम खेल रहे हैं इसमें। आंदोलन हम लोगों ने खड़ा करा है, आम आदमी ने खड़ा करा है। हम बार बार हर एक मंच के माध्यम से बोलते हैं कि कोई भी आदमी जनप्रतिनिधि से लड़ाई, सरकार से लड़ाई तो है नहीं आपकी, आप तो अथॉरिटी से लड़ाई है आपकी। नहीं हमारी, अरे सरकार क्या होती है, सरकार किसको रिप्रेजेंट करती है? बिल्कुल सरकार से लड़ाई हमारी। एक पोस्टर नहीं है आपका सरकार के खिलाफ, बताइए। हम हर एक मंच से बोलते हैं, हर एक मंच से बोलते हैं। आज भी मैंने आपकी मेरी बाइट वाणी सुनी, मैंने बोला कि 4 MLA यहाँ पे नकारा, 2 MP यहाँ पे नकारा। बार बार हम उनसे बात करते हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो लोग हमारे पास नहीं आ रहे तो हमारे पास भी तो समय आ रहा है ना। कितना टाइम बचा हुआ? 5 मिनट। कमजोर हो गए प्रतिनिधि, आपकी बात नहीं सुन रहे। देखिए हम कमजोर चुने थे, वो बिल्कुल चुने थे। गलती किससे होती है? गलती इंसान से होती है। इस सरकार को इस मानसिकता के साथ नहीं चुना था, ये खास आदमी के लिए नहीं चुना था, हर वर्ग मजदूर वर्ग के लिए उसके लिए चुना था। लेकिन ये सरकार अपने सरकार रोज कहती है मन से, हमें किस लिए चुना हर वही हम कर रहे हैं, ठीक है ना? देखिए रोज कहती है मन से सरकार, हमने प्रजातंत्र में सरकार चुनी है, हम भी अपने इस मंच से और अपने मन से बोल रहे हैं। हमने आपको चुना था, आपको हमें उठाने का भी काम हमें करना था, गिराने का भी हमें काम करना था। 5 महीने बचे हुए हैं, चक्की फिर चलेगी। आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, हम इनको ढूंढ रहे हैं। आप रुक जाइए 2 महीने बाद, ये हमें ढूंढने, हम मतदाता हैं, हम नेता नहीं है, हम आम किसान के बच्चे हैं, ये हमें ढूंढेंगे और इस चक्की में हम बता देंगे हम फिर आगे होंगे और ये हमारे पीछे होंगे। बैकोगे? क्यों बैकेंगे? फिर बैकोगे तो? हमने कोई कर्ज लिया हुआ है क्या सरकार से? हम आम आदमी है साहब, हम किसान लोग हैं, हम देना जानते हैं। जनता जो है ना जाति धर्म पे वोट करती है, अपने मुद्दों पे, अपने विकास पे वोट नहीं करती कभी भी। आप मैं बताऊं, विकास पे अगर वोट ना होती तो शायद ये प्रधानमंत्री देश के नहीं होते। इन्होंने जो सब्ज भाग दिखाए, हमेशा आदमी चेंज के लिए वोट करता है कि भाई ऐसी बात तो है नहीं कि सारी सरकारें बहुत अच्छा करके गई, आदमी चेंज के लिए जाता है। लेकिन चेंज जब मौका दिया, लेकिन मौका बार बार नहीं देता आदमी। इनके तो जो बिल्कुल हाई मोदी जी ने हाइपोथेटिकल विकास, जो जमीन पे ना दिखने वाला विकास, इल्यूजनरी विकास, क्यों चुन लिया उनको? नहीं मुद्दे फिर चुन लिया आपने और ज्यादा सीट दी। ज्यादा सीट दी किस लिए दी? उन लोगों ने हम लोगों को एक जो फिर मांगा कि ट्रैक पे आ गया, ट्रैक पे आ गया, ढर्रा बन गया। लेकिन अब की बार जो ये सरकार ऐसी उतारू हो गई है, ये बिल्कुल नंगे डिसीजन ले रही है, इसमें किसी भी संवाद में राम मंदिर बनवा रहे हैं, राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग कह रहे हैं हाँ जी बहुत बढ़िया काम हो रहा। मुद्दे खत्म हो चुके हैं, मानिए मुद्दे खत्म हो चुके हैं। तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं? यूथ रोड पे घूम रहा है विपक्ष के पास। हम विपक्ष छोड़े, हम तो किसान है, यूथ रोड पे हम किसान है, हम अपने किसानों के मुद्दे जानते हैं। ये जो पूंजीपतियों को उन्होंने भंडारण का खुला न्योता दे दिया है, वो 3 काले कानून ये लेके आए हैं, और उन काले कानूनों को खुला भंडारण, अगर ये एकीकरण ना होता, ये प्राइवेटाइजेशन ना होता, तो आज स्टील 38 रुपये से 70 रुपये ना होता। मेरा सिर्फ कहने का मंतव्य है कि हर एक बच्चा बच्चा जान गया है कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या महंगाई है और क्या महंगाई नहीं है। ये जो नारे हैं, ये मुद्दे जो हैं, गौण हो जाते हैं जब पेट की भूख के सामने। आम आदमी भूख की तरफ है, बेरोजगार की तरफ है। देखिए धर्म, धर्म क्या है? धर्म मानवता है, भूख से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब आदमी चिल्लाता है ना, भूख उसको आती है, और जब उसके लोग परिवार में तिल तिल के मरते हैं, तो धर्म की वजह से एक आदमी को काट दिया है सिंगू बॉर्डर पे। धर्म बड़ा है हमारे देश में। देखिए धर्म की वो भी इन्होंने कटवाया, वो भी इन्होंने ही कटवाया। ये सरकार अब आप पिछले जम्मू कश्मीर का परिदृश्य देख लीजिए, अब वहाँ पे दोबारा से चुन चुन के लोगों को मारा जा रहा है, हिंदू धर्म के लोगों को मारा जा रहा है। जो सरकार सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर सकती है, और आज भी 4 दिन पहले गृह मंत्री देश के ये बोलते हैं कि हमारे पास सर्जिकल स्ट्राइक का ऑप्शन खुला हुआ है। क्या सर्जिकल स्ट्राइक अपने देश में नहीं हो सकता क्या? आप उन बिलों में अपने देश में आपको आतंकवादी नहीं मिल रहे, और आप बात करते हैं कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके आ जाएंगे। धर्म की बात आ गई ना, किसने खुद ही कह दिया धर्म? अरे क्या धर्म के लोग मारे जा रहे, वो हमारा मतलब नारे नहीं, मारे नहीं जा रहे। अरे नहीं यार, अरे मैं आप मेरी बात सुनो, मैंने ये नहीं कहा हिंदू धर्म के लोग मारे जा रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा। ये लोग मरवा रहे हैं उनको, इनको सरकार में वापसी कैसे होती है? बीजेपी मरवा रही है उनको, चुनाव आ रहा है, यूपी चुनाव आ रहा है, इनको डाइवर्ट करना है। ये नेताओं का काम है, इनका डाइवर्ट करना है, वहां से लोगों का टेंशन लेना है। सिंगो बॉर्डर पर धर्म के नाम पे एक मजदूर को काट दिया गया, लटका दिया गया, कोई भी किसान नेता उसके परिवार के साथ खड़ा नहीं हुआ दुख बांटने के लिए, तो कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? कौन नहीं खड़ा हुआ, कौन सा नेता खड़ा हुआ बताइए? 40 किसान नेताओं में से एक का भी बयान नहीं। देखिए मैं बड़े परिदृश्य में ना कभी बोलता हूँ ना, जो मेरे जीवन में आदर्श है, मेरी एक परिधि है, एक दायरा है। विपक्ष का कोई नेता नहीं बोला जो यहाँ नंगा नाच करते हैं ना यूपी में, एक का भी बयान नहीं आया। मैं क्या कह रहा हूँ ना, हम राजनीतिक लोग हैं ना, हमारी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किसान के बच्चे हैं, हमारा एक दायरा एक परिधि है, हम उस परिधि और दायरे में बात कर सकते हैं। हमारा काम नहीं है आप लोग, तभी तो फिर वो हावी हो जाते हैं। आप लोग कहते हैं राजनीति से कोई लेना देना नहीं हमारा। देखिए राजनीति से हमारा लेना देना इसलिए नहीं कि हमने अपने जनसमूह को बांधा हुआ है, हम इस काम को करने के लिए नहीं आए,
जिस दिन ये काम नहीं होगा, आपको क्या लगता है कि आंदोलन ऐसे घर पर चला जाएगा? अगर ये आंदोलन हमारा काम नहीं हुआ ना, इसी मूर्त रूप में हम इन्हें 1,00,000 आदमियों को लेकर विपक्ष की तरफ घूम जाएंगे और इनको यहाँ से सत्ता से हटाने का काम करेंगे। पर इस सरकार का इतिहास है, पिछले 7-7.5 सालों में सब वापस ही लौटे हैं, एक आंदोलन को छोड़ दिया जाए तो। देखिए बिल्कुल कोई हम नहीं वापस जा रहे ना, और हम ऐसे भी नहीं है, इतने भोले भी नहीं है कि भाई अगर ये आचार संहिता लगवाने की बात अभी बात हो रही थी कि 2 महीने तक ये जो मुद्दे खींचे जा रहे हैं, आचार संहिता लगवाने की बात हो रही है, हम इस धरने के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल आपको कह देना चाहते हैं, ये 1.5 लाख लोगों का समूह, कुछ लोग ऐसे भी यहाँ नहीं पहुँच पाते जो हमसे बौद्धिक रूप से हमसे सहमत करते हैं, वो लोग इन 1.5 लाख के समूह को हम विपक्ष में लेके जाएंगे और इन लोगों को वहाँ से वोट की चोट करके। दो गुटों बटे हुए हैं, एक अभी कुछ दिन पहले करना है, 4-5 दिन पहले तुम अलग, तुम भी तो एक नहीं, नहीं, नहीं ना सर? नहीं नहीं नहीं, वो गुट नहीं है। हाँ। मैंने आज मंच के माध्यम से बोला था, वो हमारे ही साथी थे। हाँ। मैंने मंच के क्यों नहीं आ रहे, आपका क्यों नहीं समर्थन कर रहे? नहीं आते आते हैं, यही लोग हैं किसान यूनियन वाले, कहाँ आ रहे थे? देखिए नहीं, वो आए परसों आए ना, हमारे तो मुद्दे लेके आए, अपना उनका कोई निजी मुद्दा नहीं था, मैंने मंच के माध्यम से स्वागत किया। नहीं, वो नोएडा में नहीं रहते, जो आदमी थे, जो आदमी वहाँ आए थे वो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, वो नोएडा में नहीं रहते। समस्या आएगी, मैं समस्या के लिए मानता हूँ, उसकी समस्या आएगी, लेकिन उन्होंने हमारी बात करी ना आके, अपनी बात थोड़ी करके गए। मैं किसानों को हम जोड़ने की बात कर सकते हैं, हम तोड़ने की बात नहीं कर सकते। हम कहने लगे कि नहीं हम ही हम हैं, नहीं हमसे भी लोग हैं, पहले भी लोगों ने प्रदर्शन करे, हमारा संगठन ऐसा नहीं है और ना हम इस तरह की बातें करते हैं, हम तो सबका समन्वय। आपने कहा अगर सरकार नहीं माने तो हम लाखों लोग लेके विपक्ष की तरफ बिल्कुल जाएंगे जाएंगे, तो जाएंगे। अभी भी कुछ उम्मीद है क्या बीजेपी के लिए, अभी भी कुछ उम्मीद है क्या? नहीं, मुझे उस बीजेपी फैसला नहीं लिया ना आप लोगों ने, देखो क्या बीजेपी के लिए उम्मीद नहीं है, बीजेपी विपक्ष किसको हराएंगे? सत्ता को हराएंगे ना, जो सामने बैठा हुआ हमारा जो जनप्रतिनिधि है, जो अगर मान जाए बात तो फिर बीजेपी को दोगे वोट? देखिए ये बात नहीं होती, ये बात नहीं, मेरा मुझे मुद्दे से ना डेविएट होना है, आप कैसा घुमा के कर लें फिर आगे कर लें, जिस दिन मुद्दे से डेविएशन की बात आएगी डेविएट हो जाएंगे, मेरा वो दायरा नहीं है, मेरा वो दायरा नहीं है। जो यहाँ परेशान है कई दशक से किसान, नोएडा के टोंडा के जो यहाँ के पूरे जनप्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलए हैं बीजेपी के, उनके लिए क्या कहना चाहोगे चुनाव आ रहे अगले साल? देखो मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, ये राजनीति पूरी जिंदगी को आपको उठाने के लिए भी जाती है, गिराने के लिए भी जाती है, कुछ नकारा भी राजनेता होते हैं, कुछ हमारे बीच में भारत रत्न भी होते हैं और कुछ हमारे बीच में ऐसे प्रधानमंत्री भी होते हैं जो उनको देखना और कोई देखना भी पसंद नहीं करता। हर समस्या की चाबी राजनीति में है, हर समस्या। नहीं, आपकी आपकी गलत सोच है, ये बिल्कुल गलत सोच, हर समस्या की एक अवेयर मतदाता में, एक अवेयर जनमानस में, एक अवेयर मुद्दों को समझने की बात में, इन लोगों ने जो सारा उन्माद फैलाया, जिस आदमी शिक्षित हुआ और हम अपने आम आदमी अपने अधिकारों के प्रति जागृत हुआ, तो अगर के लिए कहां लड़ते हो सर आप लोग? आपने नहीं, हम तो शिक्षा करा कि हमें स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, नहीं शिक्षा आपने करा आंदोलन का भी, हमें एक हॉस्पिटल चाहिए। मैं दोबारा आपसे वही कह रहा हूं, मेरा परिदृश्य नहीं है वो, मेरा परिधि नहीं है। आप मुझसे किसान की बात कीजिए, ये बात अगर आप किसी विपक्षी दल के नेता से कहें, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, आप उनसे बात कीजिएगा, किसानों की बात मेरे से कुछ भी पूछ लो आप, कोई मुद्दा हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, क्यों हो, कहाँ हो, कैसे हो, आपसे बात कर। इस आंदोलन में नोएडा में पहला आंदोलन है जो हर एक आदमी को, हर एक घर में जाके लोगों को, उनको बता रहा है कि भाई आपकी जो डॉक्यूमेंटेड ड्यू है आप उसको लेने नोएडा अथॉरिटी पहुँचिए। बिल्कुल हल निकलेगा, हल क्यों नहीं निकलेगा, हल इनको निकालना पड़ेगा। इन्होंने पहले भी हमारे मीटिंग में बार बार जो ये हमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आंदोलन लंबा इसलिए चल रहा है कि यहाँ पॉलिसी फॉर्मेशन की बात हो रही है। हम इनसे कोई भी फर्जी कागज लेने के मूड में अब की बार नहीं है। नोएडा प्राधिकरण बार बार वही अपनी पुरानी बातों पर अड़ी गए। योगी जी कई बार आ चुके हैं नोएडा, क्या उनको पता नहीं है क्या क्या समस्या है किसानों की यहाँ पर, क्यों हल नहीं कर रहे हैं वो? उनको बिल्कुल समस्या है, हमारे किसान कुछ भाई उनसे ऑन टेबल भी हुए थे, हमें भी 2 मिनट का टाइम वहाँ जाने के लिए मिला था। दरअसल है क्या, जो अधिकारी जब उनकी मानसिकता गलत कर दें, वो उन्होंने माध्यम वहाँ ऐसा बना दिया है कि ये लोग जो हैं ये सरकार के खिलाफत वाले लोग हैं, जबकि सच्चाई है कि जो प्रतिष्ठान, ये जो संस्थान नोएडा प्राधिकरण जो आज की डेट में चल रहा है, ये हम लोगों की ही देन है। ये जो मैडम है इसकी मानसिकता गलत है, या ये उस सरकार की मानसिकता गलत के साथ उनको एक इनकॉर्पोरेट करती है कि इसको पूंजीवाद यहाँ लेके आना है। इसने जितनी भी हमारी चीज़ें थी, जितनी भी हमारी जमीन का पूल था, सारा उद्योगपतियों को बेच दिया, लेकिन इसने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। सुधीर जी, जो आपकी समस्या है, क्या हल इनका यहाँ नोएडा प्राधिकरण में हो सकता है? ठीक से बताना आप। बिल्कुल हो सकता है, नोएडा प्राधिकरण एक सेल्फ ऑटोनोमस बॉडी है। बार बार जो हम इनकी वार्ता का दौर आता है, हमारे वार्ता के दौर से निकलने के बाद एक ही बात पर मड़े हुए हैं कि जो हम इनकी पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए अपना एजेंडा बनाएं, एजेंडे में हमारी मांगों को इनकॉर्पोरेट।